वन कप ऑफ मैदा, वन कप ऑफ मैदा में हम ऐड करेंगे टू टेबलस्पून ऑफ वनीला कस्टर्ड पाउडर, है ना। फ्रूट कपकेक जो होता है ना थोड़े येलोइश कलर के रहते हैं और उसमें वनीला का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। अगर नहीं है वनीला कस्टर्ड पाउडर कोई बात नहीं, दो चम्मच मैदा और ऐड कर देना। अगर वनीला को इतना फ्लेवर नहीं चाहिए हाँ तो मत ऐड करना, मैदा ऐड कर देना। वनीला एसेंशियल क्वांटिटी कम कर, नहीं नहीं वनीला कस्टर्ड पाउडर एक डिफरेंट ही टेस्ट देता है। ऑलरेडी उतना ही डाला है जितना ज़रूरत है, उससे कम करोगे तो आपको ऑयल का दही का दूध का स्मेल आएगा। ठीक है, आप बाकी इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टू टेबल स्पून ऑफ वनीला कस्टर्ड पाउडर, नेक्स्ट गोज इन द बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, क्लियर। अब इसमें भी जो थर्ड पॉइंट है ना बटर और शुगर वो पहले करेंगे, फिर उसमें मिल्क और कर्ड ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर इज 1 टीस्पून, कर्ड सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज कर लो बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आपने 1 टीस्पून डाल दिया पूरा, आफ्टर दैट बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, हो गए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। चलो वो क्रीम बटर एंड शुगर, दिस वाज 1/2 टीस्पून जनरली हम मिठाइयों में यूज करते हैं, है ना, सो उसके कंसिस्टेंसी इज डिफरेंट, है ना, इसकी कंसिस्टेंसी इज डिफरेंट। व्हाट यू कैन डू, एक रेसिपी यू मेक इट विद द ब्रेकफास्ट शुगर जो हमने बनाई है, सेम रेसिपी नेक्स्ट टाइम यू मेक विद द पाउडर्ड शुगर घर की पिसी हुई चीनी से, और बूरा और वॉट एवर जो भी आपका पिसा हुआ वर्जन हो उससे बनाओ, एंड ईट दैट कपकेक्स, हर कपकेक का एक एक बाइट लेना। यू विल फील सम कपकेक टू बी स्वीटर एंड सम कपकेक विदाउट स्वीट। While baking, what happened? वो जो चीनी होती है ना वो साथ में इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होने के बाद एक तरफ जम जाती है। इन दैट केस कहीं तो मीठा लगेगा कहीं तो फीका लगेगा, एंड क्योंकि हम इसमें बीटर नहीं चला रहे, वी आर यूजिंग हैंडमेड थिंग, इन दैट केस आपका वो मिक्सिंग भी नहीं हो पाएगी। सो दिस इज सेफ इजी एंड ठीक है ये, बस मैं जनरली प्रेफर करती हूँ, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ कैस्टर शुगर अपने घर के लिए मैं ब्राउन शुगर यूज करती हूँ, बिकॉज हेल्दियर वर्जन है, दैट्स इट, है ना। अपनी शुगर केन से निकलती है, अनब्लीच्ड है, वो ज्यादा हेल्दियर है एज कम्पेयर टू द कैस्टर शुगर, बट आपको मार्केट में देना पड़ेगा तो आपको कैस्टर शुगर ही यूज करना पड़ेगा टू, क्योंकि ब्राउन शुगर से कलर एकदम डार्कर हो जाता है, कैरमल कलर सा आ जाता है ना, ब्राउन शुगर जब कैरमलाइज हो गया डार्क हो जाए। मैंने वनीला कपकेक बनाया, अरे यार ये तो सफेद कलर का बनना था, ये ब्राउन कैसे हो गया, चूंकि चीनी की वजह से। मुझे तो वो कैरमलाइज्ड कलर बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा लगता है उसका, ठीक है। तो जनरली जो डार्क कलर के कपकेक्स होते हैं चॉकलेट वाले हैं या ये, इनमें मैं आधा आधा यूज कर लेती हूँ, अगर आधा कप दिया हुआ है तो 1/4 कप आई यूज ब्राउन शुगर, 1/4 कप आई यूज कैस्टर शुगर, दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा आता है। माई फेवरेट रेसिपी हैज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, बनाना मफिन जो है वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करी हुई है, तो बनाना मफिन मैंने अपने हिसाब से डिजाइन करी है, जो मैं घर पे बनाती हूँ, ब्राउन शुगर उसमें जरूर ऐड करती हूँ। हाँ चलो जी, बटर, बटर इज 60 ग्राम्स, 60 ग्राम्स को अगर सॉफ्टेंट करके अगर कप में मेजर करोगे तो 1/4 कप रहेगा आपका। So this is 60 grams of
बटर लेवल करेंगे स्पून से, हाँ सॉफ्टन करने के बाद लेवल करोगे। 60 ग्राम हो गया। उसके बाद इसके अंदर दी हुई है आपके कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर कितना दिया हुआ है? हाफ कप, आधा कप दिया हुआ है। ये लो जी आधा कप कैस्टर शुगर। टेक द बीटर रोहित, ये बीटर लगाओ। ये आधा कप मैंने कैस्टर शुगर इसके अंदर डाला। और इसे अब हम बीट करना शुरू करेंगे। Then we are going to add the curd, milk, essence, लिखा हुआ है, यही दिया हुआ है। अच्छा, फ्रूट कपकेक में ये रेसिपी है ना, मैं आपको विदाउट आइसिंग भी कर देंगे, बट जनरली ये रेसिपी टूटी फ्रूटी वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसमें नट्स वगैरह भी डालूंगी। उसके बाद कहोगे तो कर दूंगी इसमें भी आइसिंग। जब भी आप टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हो किसी भी रेसिपी में, इंस्टेड ऑफ वनीला एसेंस यूज रोज एसेंस, ठीक है? रोज एसेंस बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, ठीक है? और नहीं है तो फिर जी वनीला एसेंस ही यूज कर लो। इसका एसेंस का क्वांटिटी कितना? इसका 1 टीस्पून एसेंस का 1 टीस्पून रेसिपी है जिसे हमने कपकेक में वो लिख दिया है, हमने गलती से कपकेक लिख दिया है। नहीं तो अगर हमें इस पे फ्रॉस्टिंग करनी है तो आप ये टूटी फ्रूटी और वॉलनट नहीं डालोगे, फिर क्या करेंगे? आइसिंग कर दोगे इसके ऊपर, क्रीम बीट करोगे, आइसिंग कर दोगे आप। हाँ बीट करो शुक्रिया करो। और एसेंस कब भी रोज एसेंस ही करेंगे? हाँ एसेंस रोज या मिक्स फ्रूट जो इच्छा हो वो डाल दो। इसमें बहुत स्ट्रांग होता है, बिरयानी में आप डालते बहुत स्ट्रांग होता है। इतना कुछ नहीं करना कि वो दूर से कपकेक वाली फीलिंग ना आए, दूर से बदल जाए। कपकेक में यू हैव टू ऐड रोज एसेंस, है ना? अगर नहीं है तो कोई में भी वेनिला एसेंस तो डाल ही सकते हो। क्लियर? ओके, सो ये हमारा हो गया। बटर और शुगर को हमने क्रीम कर लिया। उसके बाद इसके अंदर देखो लिखा हुआ है 1/3 कप ऑफ कर्ड गिवन है। ये 1/3 कप है, 1/3 कप मैं इसके अंदर कर्ड ऐड कर रही हूं। नाउ बीट इट अगेन। उसके बाद इसमें दिया हुआ है मिल्क, 6 टेबलस्पून दिया हुआ है। 6 टेबलस्पून मिल्क is also 1/3 cup only, ठीक है? अब जैसे आपके सेकंड स्टेप में लिखा हुआ मिक्स कर्ड एंड मिल्क टुगेदर, हाँ वो कर दो, मैं इसी में कर दे रही हूँ सर। मतलब ये कर सकते हैं आप? कर रहे हो? हाँ तो मैं कर रही हूँ, कर ही सकते हैं, ठीक है? हाँ सेट है ना हमारा। ये गया 1/3 कप इसके अंदर मिल्क, ठीक है? ये दोनों चीज गई आराम से। हो गए सारे वेट इंग्रेडिएंट्स। अब क्या रह गया वेट इंग्रेडिएंट्स में हमारा? एसेंस। हाँ बोलो बोलो चंचल। अरे बटर तो चंचल एक नींद की झपकी है, नींद आ रही है। चलो अब गया इसके अंदर रोज एसेंस, इसके अंदर हो गई मेरे ख्याल से। रूही निकालो जरा रोज एसेंस। एक काम करो तुम चाय पड़ाओ, नींद आ रही है।
हाँ जी चाय सब लोग लेंगे एसेंस को यू विल नॉट टेक हाँ एसेंस को फ्रिज में नहीं रखते नहीं ऑयल बेस्ड एसेंस है ऑयल बेस्ड को कभी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है ना एवरीबडी विल टेक टी ना है ना नो आई तुम दो नहीं लेंगे हाँ छः सात कप बना दो छः कप बना दो आप भी चाय पी लो हमारे साथ नहीं आप ठीक है ये गया रोज एसेंस इसके अंदर अब अगर आपको इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी है दोनों को कंबाइन करोगे आप और आप बेक करने रख दोगे बट अगर आपको इस पे फ्रॉस्टिंग नहीं करनी है ठीक है तो आप क्या करोगे ये एंड में ये जो थोड़ा सा ये जो ड्राई मिक्सचर था ना ये एक बोल में छोड़ देना ठीक है एक बोल में छोड़ देना है ना ये इसे यहाँ पे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेगी मीनवाइल जो नट्स आपको इसके अंदर डालने हैं पहले आप ड्राई फ्लावर में कोट करोगे देन यू आर गोइंग टू ऐड इन योर बैटर इन दैट केस इसका ये एक ट्रिक है इसमें क्या होता है हर बाइट में आपको नट्स मिलेगा नीचे बॉटम में वो सिंक नहीं करेगा ठीक है ये मैंने 1 टेबल स्पून के आसपास इसमें वॉलनट डाल दिया आप जो चाहे वो डालो ये क्रंच के लिए डाला है उसके साथ टूटी फ्रूटी 125 ग्राम मतलब आधा कप ये पूरी मेजर करी हुई है टूटी फ्रूटी थोड़ा सा मैंने टॉपिंग के लिए छोड़ दिया रेड ग्रीन येलो एंड ऑरेंज 4 कलर्स में आती है ठीक है ये हो गया इसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड दिस मिक्सचर इन दिस ठीक है जी अब मिक्स करो अगर आपको दूध कहीं से भी कम लग रहा है अब हमने नट्स भी इतने सारे डाले वो भी मॉइस्चर लेगा ना इन दैट केस थोड़ा सा मिल्क डाल दें हाँ नट्स एंड वॉलनट्स एंड ट्यूटी ठीक है Now mix this and pour it in your molds.